पूर्णिया पुलिस ने हथियार के बल पर लूट डकैती छिनतई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जिले के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चोरों के सदस्य बंदूक की नोक पर वाहन, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटने की घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार तीनों अपराधी जानकीनगर थाना क्षेत्र के विनोवा ग्राम के रहने वाले हैं। अभियुक्तों में मोहम्मद सदरुल का पुत्र मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद इलियास का पुत्र मोहम्मद रुस्तम एवं स्वर्गीय जमरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद इस्ताम शामिल है। पूर्णिया SP दयाशंकर ने प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को लूट छिनतई डकैती के संगठित गिरोह के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी तथा कांड में लूटे गए सामान की बरामदगी हेतु सख्त निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में बनमनखी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विभास कुमार के नेतृत्व में बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इस दल के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान तथा छापेमारी चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जानकीनगर थाना क्षेत्र के जोरगंज मोड़ के पास वाहन चेकिंग के क्रम में 3 कुख्यात अपराधी पुलिस को देखते ही बाइक छोड़कर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को खदेड़ कर दबोच लिया। तलाशी के क्रम में अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 टेप, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित 1 बाइक बरामद किया गया। पुलिसिया पूछताछ में तीनों अपराधियों ने अपना अपराध कबूल किया। गिरफ्तार तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और एक संगठित गिरोह भी है। विभिन्न थानों में इन तीनों के खिलाफ मामला भी दर्ज है। पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. 3/2021 को जानकीनगर थाना अंतर्गत पंकज कुमार जो कि फाइनेंस कंपनी के कर्मी हैं, उनसे एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वो टैब और कुछ पैसे उनके पास से लूटे गए थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और इस टीम के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग और छापेमारी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह टीम जब वाहन चेकिंग कर रही थी तो इस दौरान थाना अध्यक्ष सुनील कुमार, जो थाना अध्यक्ष जानकीनगर सुनील कुमार को जानकारी मिली थी कि इस रास्ते से कुछ अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से जाने वाले हैं, इनके द्वारा वाहन चेकिंग लगाया गया और पुलिस चेकिंग को देखकर 3 लोग जो हैं मोटरसाइकिल छोड़ के भागने लगे। भागने के क्रम में उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था और अग्रतर छापेमारी करके जो लूटी गई टैब, मोबाइल और पैसे जो हैं उसको बरामद किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त है जुबैर, इसके पास से 1 देसी कट्टा और गोली और दूसरा मोहम्मद इस्ताम के पास से भी 1 देसी कट्टा और गोली बरामद हुई थी। इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा आपराधिक इतिहास पूर्णिया और उससे सीमावर्ती ज़िलों में है। अभी तक के जाँच के क्रम में इन लोग के द्वारा जानकीनगर थाना अंतर्गत जनवरी से लेकर अभी तक कुल 4 लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जो इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। उसमें कुछ में हम लोग की बरामदगी भी सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा के नगर अंतर्गत चंपा नगर थाना कांड संख्या 87-20, बढ़हरा रघुवंश नगर कांड संख्या 79-20 और बनमनखी में 2 लूट की घटना को इन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो मुख्यतः ये 3 जो अभियुक्त हैं, ये लूट का मेन इनका मॉडस ऑपरेंडी लूट करना था और इस गिरोह के पकड़े जाने से उम्मीद करते हैं कि पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र में लूट की घटनाओं में बहुत कमी आई। इस बार कितने की राशि लूटी थी सर? इस बार राशि का उनके द्वारा कहा गया था कि 10,000 की राशि के आसपास उनके पास से लूटा गया था। टैब लूटा गया था और उनके पास मोबाइल था, वो भी छीन लिया गया था। हमने मोबाइल और टैब को बरामद कर लिया है। बाकी कांडों में भी कुछ बरामदगी हुई है, जिसकी पूरी जानकारी इस ब्रीफ में आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं,
और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए, पनोरमा परिवार।